अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो दो कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा है।